Hello everyone, welcome back to another video on Erit Academy. And today we have taken a question from Polity. And also, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स वीडियो लेकर आइए, इंग्लिश वीडियो लेके आइए. तो आज मैंने ये कोशिश की है. लेट्स सी हाउ इट इज़ कमिंग आउट. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो मैन और पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. ठीक है, अब ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस कुछ लैटिन में हैं, कुछ फ्रेंच में हैं. जब भी हम पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं और ऐसी चीज़ें ब्रैकेट में लिखी रहती हैं या कुछ इटैलिक्स में लिखी रहती हैं, हमें एक टेंडेंसी होती है कि ओके वी इग्नोर इट, वी रीड इट बट वी इग्नोर इट. जैसे यहाँ पे हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं सिने क्वा नॉन, मतलब कि एक एसेंशियल कंडीशन होती है जो कि बहुत नेसेसरी होती है. बट ठीक है, दिस इज पॉपुलर तो याद है हमें. या प्राइम मिनिस्टर के लिए हम पढ़ते हैं प्राइमस इंटर पैरिस द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो वो भी हमें याद रहता है. बट जब हम फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं और जो सामने चारों ऑप्शंस में लिखा हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि कुछ ही लोगों ने उसमें से एक दो को ध्यान दिया होगा और बाकी टाइम हमने इसको इग्नोर ही किया होगा. लेकिन ये एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है और ये 2022 अप्रैल में सीडीएस के एग्जाम में ही पूछा है. सो अब चांसेस ये भी हैं कि लक्ष्मीकांत तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन की डेप्थ जो है वो किस लेवल पे जा रही है. तो पहला ऑप्शन है अत्रे फॉ एक्विट. सो अत्रे फॉल एक्विट एक शब्द है जो कि फ्रेंच ओरिजिन से आता है. ऑट्रेफुआ का मीनिंग हम देखेंगे. सेकंड ऑप्शन है नॉन बेस इन एडम. थर्ड है ऑट्रेफुआ कॉन्वेक्ट. तो कुछ तो आप डिराइव भी कर सकते हैं व्हेन वी रीड इट, व्हाइल प्रोनाउंसिएशिंग इट हम उसको उसकी मीनिंग डिराइव कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑडी ऑल्टरम पार्टम. अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि नो मैन और पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, इसको कौन सा फ्रेज रिप्रेजेंट करता है. तो हम सबकी मीनिंग देख लेते हैं एक बार. सो अत्रेफुआ एक्विट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर अक्यूज्ड, जिसके ऊपर ट्रायल चला, किसी ने कुछ, कोई अक्यूज्ड है, अब वो गिल्टी भी नहीं प्रूव हुआ है बट हैज ऑलरेडी बीन एक्विटेड, उसको एक्विटल मिल गया है, तो उसको उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई नहीं किया जाएगा. देयरफॉर मे नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस. सो ये फ्रेज को एक वर्ड में फ्रेंच में बोलते हैं अत्रेफुआ एक्विट, अत्रेफुआ एक्विट. नेक्स्ट नॉन बिस इन एडम का मतलब क्या होता है कि नॉट ट्वाइस फॉर द सेम थिंग, एक ही चीज के लिए दो बार नहीं, जो लिटरल मीनिंग है. तो डबल जेपॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस रूल को रिप्रेजेंट करता है. फिर आता है ऑट्रेफुआ कॉन्विक्ट. ऑट्रेफुआ कॉन्विक्ट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर कोई अक्यूज है और वो किसी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो फिर से उसी का ट्रायल लेके फिर से उसको ट्रायल नहीं लेना, और उसको उसके कन्विक्ट ऑलरेडी हो चुका है तो सेम ऑफेंस के लिए फिर उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया अत्रेफुआ कॉन्विक्ट. नाउ अब हम देखते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टम क्या होता है. तो ये होता है कि नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. सो जो हमारा आंसर होगा, अब हम चारों चीजें देख चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है. हमारा आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टर्म विच रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो मैन और पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, वो रिप्रेजेंट करेगा ऑडी ऑल्टरम पार्टम. सो दिस इज what is the meaning of it. But we should not stop here. We should relate it the constitutional origin and we should try to understand that ye constitution mein kaha mention hai, Indian perspective se iska kya matlab hai aur kya interference hota hai. So let's understand it. तो इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने के लिए मान लीजिए कि जो सामने हमें इमेज दिखाई जा रही है उसमें एक जज साहिबा हैं और जज साहिबा एक सीट पे बैठी हैं. जब वो जज के रूप में काम करती हैं तो उनको हमेशा एक बात याद रहती है कि उन्होंने अपने लॉ स्कूल में इस बारे में पढ़ा हुआ है, डेट इज़ नेचुरल जस्टिस. तो कभी भी वो सीट पे बैठती हैं तो वो ये ध्यान रखती हैं कि नेचुरल जस्टिस उनको करना ही करना है. तो नेचुरल जस्टिस इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉमन लॉ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है. तो इंडिया में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो अपनी ओरिजिन डिराइव करता है आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड स्पेशली मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 के रेस्पेक्ट में जो जजमेंट हुआ था उसमें बोला गया था कि लॉ एंड प्रोसीजर मस्ट बी अ फेयर जस्ट एंड रीजनेबल काइंड. ओके, तो ये बात उसमें कही गई है. तो ऐसा भी हुआ है कि जब हम NCERT लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उसमें कई जगह मेंशन रहता है कि विच इंस्टीट्यूशन गिव्स द जजमेंट बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपना जजमेंट देती हैं। सो ट्रिब्यूनल्स हैं, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर नेचुरल जस्टिस के फिनोमेना पे होता है। सो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नाउ अब नेचुरल जस्टिस के रेस्पेक्ट में जब जज साहिबा ने जो है अपने लॉ स्कूल में पढ़ाई की थी तो इन्होंने दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो पहला प्रिंसिपल इन्होंने जो पढ़ा था वो है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नो मैन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। इसका मतलब ये हुआ कि रूल अगेंस्ट बायास, तो कोई बायासनेस ना हो इसलिए कोई अपने ही केस में जज नहीं बनेगा। और इसका फ्रेज को रिप्रेजेंट करता है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। सो ये एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। एट द सेम टाइम जब ये अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करती हैं तो इनको एक और कॉन्सेप्ट याद आता है कि नेचुरल जस्टिस का एक और प्रिंसिपल था कि कभी भी दो पार्टीज अगर हमारे पास जजमेंट के लिए आती हैं और कोई केस लेके आती हैं देन आई शुड फॉलो ऑडी ऑल्टरम पैरटम, जिसका मतलब होता है दैट टू हेयर द अदर पार्टी और नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, विच मीन्स रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। सो बेसिकली अगर हम नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल को देखें तो एक है रूल अगेंस्ट बायास और दूसरा है रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। तो जब भी ये जज साहिबा सीट पे बैठती हैं तो अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करती हैं नेचुरल जस्टिस के और दो प्रिंसिपल्स को याद रखती हैं, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, रूल अगेंस्ट बायास, किसी को अपने केस में जज नहीं बनाना है, और ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब हर दोनों पार्टी को एक फेयर हेयरिंग का मौका देना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल जस्टिस बेसिकली ये इसलिए प्रैक्टिस में है सो दैट देयर शुड बी नो प्रेजुडाइज इन वाइल डिसाइडिंग द जजमेंट्स और फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विटी, ये इसका एम होता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जो सारे कीवर्ड्स थे। अगर हम हमने ऑलरेडी ऑडी ऑल्टरम पार्टम नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्टरम पार्टम वो देख लिया, दैट इज कि मतलब अपने केस में हेयरिंग का रूल जहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, और पहला क्या था रूल ऑफ रूल अगेंस्ट बायास। अब हम दूसरे वर्ड्स देखते हैं तो वी विल स्टार्ट विद नॉन बेस इन एडम, जिसका मतलब होता है नॉन टॉइस फॉर द सेम थिंग। ठीक, दूसरा इसके अंदर जो सब पार्ट्स आते हैं वो आते हैं ऑट्रे फॉय एक्विट, मीन्स एक ही ऑफेंस के लिए अगर किसी को एक्विटल मिल चुका है तो उसको फिर से उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए सेम ऑफेंस के लिए। एंड ऑट्रे फॉय कन्विक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को एक ऑफेंस के लिए कन्विक्शन मिल चुका है तो उसको फिर से दोबारा ट्रायल सेम ऑफेंस के लिए नहीं लेना है। तो ये तो मीनिंग हो गए, अब इनको डेप्थ में इंडियन पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ओके, तो अभी जो बाकी टर्म्स थे उनको समझने के लिए हम फिर से जज साहिबा का रेफरेंस लेते हैं और उनको बुलाते हैं। तो जज साहिबा के सामने दो लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी एक ऑफेंस में सेम ऑफेंस के में उनको जो है एक्विटल मिल चुका है और एक को किसी और ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है। तो जज साहिबा के सामने फिर से कोई केस लेके आता है उन्हीं के उन दो बंदों के खिलाफ। तो अभी जज साहिबा अपने फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करती हैं नॉन बेस इन एडम नॉट ट्वाइस अबाउट द सेम, और उसके अंदर फर्दर दो चीज़ें रिवाइज करती हैं। तो एक जो फर्स्ट पर्सन है जिसके खिलाफ जो है कन्विक्शन हुआ है और एक्विटल हुआ है उसको रेफर करती हैं, तो ये अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करती हैं। सो बेसिकली दिस नॉन बेस इन एडम इज रेफरिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपार्डी, तो डबल जेपार्डी नहीं होना चाहिए। सो द कन्विक्ट जो पहला बंदा के खिलाफ अक्यूज किया जाता है तो ही वॉज ऑलरेडी गिवन एक्विटल। नाउ शी रिवाइजेज हर कॉन्सेप्ट एंड टेल्स दैट ओके इफ फॉर सेम ऑफेंस ही हैज बीन अक्यूज्ड अगेन देन ऑट्रोफेस एक्यूट, means we cannot go for a trial if he has been acquitted for the same offense. So she says that. On the other hand, एक दूसरा बंदा रहता है जो कि already एक offense के लिए उसका conviction हो चुका है, convict करार दिया गया है, तो उसके लिए ये कहती हैं utter voice convict means if a person has been convicted then he will be not subject to second trial for the same offense. So while revising this concept, उन्होंने अपना judgment इस तरीके से सुनाया। जो doctrine of double jeopardy है ये यही कहता है कि एक ही चीज़ के लिए दो बार किसी इंसान को पनिश नहीं करना है, या एक्विटल हो चुका है या कन्विक्ट हो चुका है तो ट्रायल उसका नहीं होना चाहिए। अब इंडियन कंटेक्स्ट में जब जज साहिबा समझाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 20 के अंदर तीन कंपोनेंट है, उसमें जो दूसरा कंपोनेंट है इट मेंशंस अबाउट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ ऑट्रे फॉय कॉन्विक्ट मेंशन है, बट अनलाइक अदर इंस्टीट्यूशंस यूएसए के फिफ्थ अमेंडमेंट में दोनों चीजें मेंशन है, ऑट्रे फॉय कॉन्विक्ट और ऑट्रे फॉय एक्विट भी मेंशन है।
इंडिया में आर्टिकल 22 में सिर्फ ऑट्रेफोई कॉन्विक्ट की बात की जाती है, बट हमारे जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 300 में ऑट्रेफोई एक्ट और ऑट्रेफोई कॉन्विक्ट दोनों की बात की जाती है। ठीक है, बेसिकली डबल जेपार्डी के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन है, क्योंकि डबल जेपार्डी बिकम्स इनह्यूमेन, डिग्रेडिंग, अनजस्ट प्रैक्टिस और इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। सो इंडिया में प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट डबल जेपार्डी बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस एज अ फंडामेंटल राइट दैट इज अंडर आर्टिकल 22, बट इट इज नॉट कॉम्प्रहेंसिव। तो उसको कॉम्प्रहेंसिव बनाने के लिए सेक्शन 300 सीआरपीसी है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट the terms which were given in the question. अच्छा, double jeopardy में कभी confuse नहीं होना है, because ये सब judicial proceedings से related है। अगर किसी को department level पे, let's say custom level पे या किसी और department level पे कोई proceeding हुई है और उसको punishment मिली है और फिर उसका case जो है court में जाता है और वो ये कहे कि भाई मुझे तो already punishment मिल चुके हैं, so he cannot say that because वो departmental level पे था। judicial level पे legal perspective से, judicial perspective से आपको कोई punishment नहीं मिली है, तो उस केस में डबल जेपार्डी लागू नहीं होता है। सो दिस वॉज इट एंड होप यू एंजॉयड द डिस्कशन, और आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि ये इंग्लिश का अप्रोच कैसा था। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज लेट मी नो। एंड अगर कोई जो भी ओपिनियन होगी आप लोग बताइएगा, और इस तरीके के की टर्म्स जो आते हैं, जो लैटिन में फ्रेजेज हैं या फ्रेंच में हैं, वो अब हमेशा अलर्ट रहने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में रिसेंटली पूछा है यूपीएससी ने 2022 में ही, तो ये कभी भी रिपीट हो सकता है और कभी भी यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि अभी नेचर जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस का वो चेंज हो रहा है। ओके गाइस, टेक केयर एंड लेट मी नो योर फीडबैक एंड एंजॉय। सी यू, बाय बाय।